सबसे पहले आई पेट्रोल डीजल की टैक्सी, और अब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सेगमेंट में एक नया किरदार जुड़ने वाला है, यह है हवा में उड़ने वाले व्हीकल। हम यूरोप या अमेरिका की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं भारत की। उड़ने वाली टैक्सी के दर्शन आपको भारत में भी हो सकते हैं। इस उड़ने वाली टैक्सी को पेश किया है IIT मद्रास के स्टार्टअप ने। इसने एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप डेवलप किया है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि एक हेलीकॉप्टर से भी तेज पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। फ्लाइंग टैक्सी बनाने वाली इस स्टार्टअप की शुरुआत लगभग 6 साल पहले हुई। इस कंपनी ने बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में इस फ्लाइंग टैक्सी के प्रोटोटाइप को पेश किया। इस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है ई-प्लेन। इस कंपनी का दावा है कि इससे शहरों में सफर तेज और आसान हो जाएगा। इससे उन शहरों में सफर काफी आसान होगा जो जाम से चोक हो चुके हैं। यह प्रोटोटाइप एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मॉडल है, मतलब यह जगह से ही उड़ान भर सकती है। इसे हवाई जहाज की तरह से किसी भी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। इस फ्लाइंग टैक्सी को लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। यह 25 स्क्वायर मीटर के एरिया में पार्क की जा सकती है। इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है और प्रोपेलर्स के तौर पर इसमें 4 फैन लगे हुए हैं, मतलब इसे आराम से किसी भी छत पर उतारा जा सकता है। इस व्हीकल की दूसरी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलता है। इसको एक बार चार्ज करने के बाद लगभग 200 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता है, मतलब यह सिंगल चार्ज में 10 से 15 किलोमीटर के लगभग 10 ट्रिप कर सकती है। कंपनी का दावा है कि इस फ्लाइंग टैक्सी में कारों की तुलना में 10 गुना तेजी से यात्रा की जा सकती है। अब बात इसकी सर्विस पर होने वाले खर्चे की। कंपनी ने इसका गुणागणित भी लगाया है। कंपनी का कहना है कि प्रति पैसेंजर इसकी कॉस्ट फिलहाल उबर जैसी सर्विस से दुगनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई उबर कार से 10 किलोमीटर के 200 रुपए देता है तो उसे इस राइड के लिए उतनी ही दूरी के 400 से 500 रुपए देने होंगे। ई-प्लेन कंपनी के CEO प्रांजल मेहता और CTO सत्य चक्रवर्ती के मुताबिक उन्हें फ्लाइंग टैक्सी बनाने का आइडिया इलेक्ट्रिक ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के वीडियो को देखकर आया। एक राइड में इसमें 2 पैसेंजर एक साथ बैठ सकते हैं। यह 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकती है या अधिकतम 457 मीटर की ऊंचाई पर जा सकती है। इसकी बैटरी के साइज और चार्जिंग के बारे में फिलहाल विस्तार से तो कंपनी ने कुछ नहीं बताया। हालांकि यह बात जरूर बताई है कि इसकी बैटरी को स्वैप नहीं किया जा सकता, मतलब यह एक फिक्स बैटरी है और इसे चार्जिंग के लिए बाहर नहीं निकाला जा सकता। बता दें कि हेलीकॉप्टर से टैक्सी की तरह राइड की सर्विस कुछ देशों में उपलब्ध है। दुबई ने इस साल 2026 तक अपने यहाँ जगह से उड़ान भरने वाली इसी तरह की ई-टैक्सी की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा है। मिडिल ईस्ट इस तरह के वाहनों के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। जहां तक भारतीय कंपनी की बात है तो ई-प्लेन कंपनी ने इस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए लगभग $10 लाख का फंड जुटाया है। इस फ्लाइंग टैक्सी को ऑपरेट करने के लिए एक पायलट की जरूरत होती है। हालांकि ई-प्लेन कंपनी की योजना इसे ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी से लैस करने की है, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें किसी पायलट की जरूरत ना पड़े और सिर्फ रिमोट से ही इसे ड्रोन की तरह उड़ाया जा सके। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यू जनरेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।